एक रिश्ता मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं है। अगर शक दिल में आ जाए भरोसे टूट जाते हैं, जाते हैं। इसका मतलब कि मेरा शक सही था? नहीं, तुम्हारे शक ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि मैं उससे करीब हो गया। आपका और उसका पुराना रिश्ता है, वो आपको कब से जानती है, और मैं, मुझे तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो चाहे जो भी कर ले, तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। अगर शक दिल में आ जाए इस वक्त कुछ और मांगता तो वो भी मिल जाता। थैंक यू। तुम्हें चाय लाने की जरूरत नहीं थी। मैं भी तुम्हारी बीवी हूं, तुम मानो या ना मानो। मुझे पता था कि तुम्हें इस वक्त चाय चाहिए होगी, इसलिए ले। ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ रूड नहीं होना चाहता, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि मैंने सानिया से शादी कर ली। ये सारी बातें बाद में कर लेंगे, कल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो इस वक्त सिर्फ काम पे कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। कुछ और चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। चाय ठंडी हो गई थी, मैंने गरम बना के और दे दी। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी बनाई हुई चाय फेंक दो। तुम हंस क्यों रही हो? अभी तक तो तुम ऐसे प्रिटेंड करती थी जैसा मेरा कोई वजूद ही नहीं। शुक्र है अब तुमने एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट करना है मुझे? कि तुम्हारा होना ना होना मेरे लिए एक बराबर है? You don't exist for me. डिनाइल में रहने का कोई फायदा नहीं सरेश। हमें आराम से बैठ के ये बात डिस्कस करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। बहुत फ्लॉलेस सा प्लान बनाया था ना तुमने, and guess what? उसमें भी लूप होल निकल ही आया। तुम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मैं वापस आऊंगी, है ना? बहुत गिरी हुई बातें कर रही हूँ, और इसमें मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। एग्जैक्टली नहीं कर सकती। इससे चली जाओ। मैं तुम्हारी इतनी बातें सुन चुकी हूँ, बर्दाश्त कर चुकी हूँ। इसका ये नहीं मतलब कि तुम्हारे दिल में जो चाहे आए तुम बोलती रहो। आई एम सॉरी, लेकिन मैं अब यू शुड बी सॉरी। तो पता, मेरी अम्मी एक बात कहा करती थी, 100 दिन सुनार के एक दिन लोहार का। कभी समझ नहीं आया था, आज आ रहा है। बहुत बेवकूफ बना लिया था शाम को, अब मैं वापस आ गई हूँ। इससे तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम वहीं चली जाओ जहां अपने बेटे को भेजा है।
ये क्यों निकाल रही हो? मेरी मर्जी, मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है घर पे। क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ भी नहीं, आज मेरी जॉब का पहला दिन है, तुम सिर्फ उधर ही फोकस करो। हाँ, क्योंकि आज आपका पहला दिन है जॉब का, आपको वहीं का सोचना चाहिए, यहाँ का नहीं। थैंक यू। शाम तक तुम काम से निकलो तो मुझे फोन कर देना, मैं खाना तैयार रखूंगी। लेकिन आप घर पे तो खाना नहीं खाएंगे, आपने कहा था फर्स्ट डे जॉब को सेलिब्रेट करने हम बाहर डिनर करेंगे। मैंने कहा था? हाँ कहा था, जब आप स्टडी से निकल के मेरे कमरे में आए थे आपने कहा था। हाँ याद आ गया, ठीक है। कहाँ जाने का प्लान है? चाइनीज, एहतशाम को प्रॉन्स खाने का दिल कर रहा था। प्रॉन्स? रियली? नहीं वो नहीं, वो क्या, आप ही ने तो कहा था कि आपको प्रॉन्स खाने का दिल कर रहा था। नहीं कहा होगा। सर इस तुम्हें क्या पता हमारे बीच में क्या बातें होती हैं, जो भी बात हुई होगी ये नहीं हुई होगी, क्योंकि एहतशाम का प्रॉन्स से एलर्जी। तुम्हें पाकिस्तानी खाना नहीं पसंद, फिर रात को तैयार हो जाना, हम वही खाने चलेंगे। ठीक है, तुम रात को चले जाओगे तो मैं बोर होंगी, वापसी में रूमी को ले आना, वो मेरा दिल लगाए रखता है। तुम उसकी वजह से क्यों झूठ बोल रही हो? वो जो कर रही है करने दो। वो मेरे बेटे को क्यों इन्वॉल्व कर रही है? ऐसी बात नहीं है, वो वाकई उसे प्यार करती है। मैंने उसे रूमी से रूडली बात करते हुए देखा। नहीं वो हमारी वजह से अपसेट होगी, मैं उसे जानता हूँ, बच्चों से रूड नहीं होती। एनीवे तुम उसकी वजह से क्यों परेशान हो रही हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्या ड्रामा कर रही है और क्यों कर रही है। यही तो अफसोस की बात है, आप जानते हैं कि वो कब ड्रामा कर रही है और कब नहीं कर रही और क्यों कर रही है। जिस तरह वो जानती कि आप झूठ कब बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो, उसने तो आज मुझे आपका नाश्ता भी नहीं बनाने दिया। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी। देखो मैं जानता हूं तुम उसकी वजह से परेशान हो, लेकिन मैं यकीन करो मेरे लिए भी सब कुछ इतना आसान नहीं है। ऑफिस से आके सब बात करो। वो नहीं जाएगी, उसने कहा ही इसका घर है। हाँ तो क्या, तो वो सही रही है, घर बाकी उसके नाम, और कोई मसला नहीं है, हम चले जाएंगे कहीं और रह लेंगे। लेकिन आप उसे छोड़ेंगे नहीं है ना? किसने कहा है नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरा बस पैरानॉइड हो गई हो एकदम। मैं ऑफिस से ही लॉयर को फोन करूंगा, बस तुम खुश रहो, मैं तुम्हारे चेहरे पे परेशानी देखने का बिल्कुल शौक नहीं है। स्माइल स्माइल, गुड गर्ल। चलो मैं आराम से अपने कमरे में रहना, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी चीजों की तलाशी ले रही है। How dare you? मैं डेयर कर सकती हूँ क्योंकि तुम मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर रह रही हो और मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। निकलो प्लीज मेरे कमरे से, निकलो अभी, वरना मैं एहतशाम को फोन करूंगी। उसकी नौकरी के पहले दिन पे? वाह,
कितनी कंसिडरेट बीवी हो तुम माशाल्लाह। देखो तुम्हारे जो भी मसले अपने शौहर के साथ तय करो, तुम मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकती। चलो कम से कम तुमने ये तो एक्सेप्ट किया कि वो मेरा शौहर है और हमें अपने मसले आपस में डिस्कस कर लेने चाहिए। मुझे तंग करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैंने बहुत सी परेशानियां देखी अपनी जिंदगी में, तुम्हारे इन प्रेशर टैक्टिक से मैं घबराने वाली नहीं हूँ। तुम्हें मेरी चीजों की तलाशी लेनी है ना, ये लो। तुम्हें मैं रूमी की भी चीजें दिखा दूं? Why don't you see in your own room? तुम्हारी हर चीज का ख्याल अमानत समझ के क्या है? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया सिवाय मेरे शौहर के। तुम सब कुछ ले लेती मुझसे, जो चाहिए था चुरा लेती सिवाय मेरे शौहर के। मैंने उसे नहीं चुराया, तुम खुद उसे छोड़ के चली गई थी। तुम्हारे लिए नहीं। देखो तुम्हारी शादी उससे करने की जो भी वजह थी, अब मैं वापस आ चुकी हूँ, प्लीज यहां से चली जाओ। सैरिश तुम उनको सिर्फ इसलिए छोड़ के चली गई थी क्योंकि तुम्हें शक था कि उनके मुझसे ताल्लुकात हैं। अब कैसे रहोगी उनके साथ? अब तो हमारे सच में ताल्लुकात हैं। रह लूंगी क्योंकि अब मुझसे कोई झूठ नहीं बोल रहा। रूमी, दो दिन बाद आयो, मुझसे मिल तो लो। 1, 2, 3। चीटिंग तो नहीं किया आपने? अच्छा आंखें बंद, आंखें बंद। अगेन 1, 2, 3। मेरे डॉक्टर ने आपके सिस्टर को मार दिया। अब क्या होगा? कमरे में चलो, पहले खाना खाओ, कपड़े चेंज करो, फिर कुछ और करो। अच्छा। आपने सुना नहीं? फौरन उठो रूमी, बच्चा है, अगर थोड़ी देर बैठा रहेगा तो क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा। कितनी दफा बोला आपको कि जूते पहन के बिस्तर पे नहीं बैठते? बेड मेरा है, अगर मैं नहीं माइंड कर रही तो तुम्हें क्या है? हाँ बेड तुम्हारा, लेकिन बेटा मेरा है, मैं माइंड कर। चलो मुझे नहीं जाना। आंटी आप मेरे कपड़े चेंज करवा दें। रूमी मुझे गुस्सा मत दिलाओ प्लीज। आप गंदी हैं, आप अच्छी नहीं है, आप दादी जैसी हो गई हैं। रूमी रूमी, हमारे बीच जो भी है लेकिन प्लीज मेरे बेटे के जहन को मत भरो। ये बात मैं भी तुम्हें कह सकती हूँ, अपने बेटे के जहन को मत भरो। एग्जैक्टली, मेरा बेटा है ना, मैं उसे जो चाहे सिखा सकती हूँ। प्लीज मेरे बेटे से दूर रहो। तो मुझे ये कह रही हो कि मैं एक 5 साल के बच्चे से दूर रहूं? तुम मुझे नहीं ट्रस्ट करती ना, इसलिए मेरी चीजों की छानबीन करी थी। पर मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती, इसीलिए प्लीज मेरे बेटे से दूर रहो। मैंने खामा खामे तुम्हारी सास से लड़ाई की, तुम तो काफी तेज हो, अपना ख्याल खुद रख सकती हो। तुम्हें से तो सीखा है और किसी से नहीं। इंसान को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है ना, ना कोई किसी की जिंदगी जी सकता है और ना कोई किसी की बर्बादी का जिम्मेदार हो सकता है। इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। इसी तरह सोचती हो ना तुम? मैं भी इसी तरह सोचने की प्रैक्टिस कर रही हूं, और बच्चे के मामले में माँ को प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं होती। तुम्हें क्या पता बच्चे के मामले में माँ कितनी सेंसिटिव हो सकती है। तुम्हें उसे इस तरह नहीं कहना चाहिए। वो मुझे 10 बातें कहती रहती है
मैंने इतनी सी बात कर दी तो क्या हुआ? वह जो भी कहती है तुम्हारे मेरे बारे में कहती है, लेकिन मैं बच्चे के बारे में उससे कुछ नहीं कहना चाहिए। वो मेरे कमरे की तलाशी कर रही थी। तो तुम भी उसके कमरे की तलाशी ले रही थी, इसमें क्या है? कैसी बातें कर रहे हो? बहुत सेंसिटिव इस मामले में। तुमने उसे बच्चे ना होने का ताना दिया। तुम इतनी समझदार हो, तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नहीं होना मुझे समझदार, तंग आ गई मैं समझदारी दिखाते दिखाते। अगर वो बेवकूफ और इमेच्योर बन के बिचारी बन सकती तो मैं क्यों नहीं? उसे तो मैं वैसे ही छोड़ रहा हूं, कोई फायदा तो नहीं हुआ बेचारी बनने का। कितना हर्ट हुई होगी उस बात से। बहुत सेंसिटिव है इस मामले में। मोहल्ले का कोई बच्चा होता है उसकी जान बन जाता है। जबरदस्ती मुझसे स्कूल की फीसें दिलाती थी वो बच्चों की, और ईद की शॉपिंग पे लेके जाती थी, और तुमने उसको मना कर दिया रूमी से मिलने से। अब बोलो मैं क्या कहूं उससे? हमने पूरा प्लान बना के आया था कि उससे बात करूंगा कि मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। रहने दे, आपका ऐसा कोई प्लान नहीं था। अच्छा ये देखो, अलर्ट की भी देखो, लॉयर से अपॉइंटमेंट का टाइम लिखा है इसमें। मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है। तो क्या हो गया सानिया? हाँ तो कभी किसी के साथ भी ऐसी नहीं थी। रूमी की दादी के साथ भी तुम इतनी अच्छी तरह रही। मैं सहरिश के साथ भी थोड़ा संभल सका हूँ, कम से कम उसे ऐसी बातों पे बातें तो ना सुनाओ ना जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है। I'm sorry, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, but I expect you to be better than this. अब आप मुझे गिल्टी फील करा रहे हैं। नहीं, मेरा हर किसी मकसद नहीं है, मैं गिल्टी नहीं फील कर रहा। इस जैसे तुम्हारा इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ा है मुझ पर कि ऐसी बात तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करती। मैं आइंदा से नहीं करूंगी। थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं? मैं आ रहा हूँ उसके पास। मैं अपने शौहर को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और वो गलत नहीं हो। धमकी दे रही हो मुझे? अगर हमें उसे बदला लेना हो, अगर हम भाग जाएं, तो क्या होगा? मजा आएगा। अगर शक दिल में आ जाए। कभी कभी चॉकलेट खाने सेहत के लिए अच्छा होता। उसे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम भी तो इतनी बिटर हो गई कि तुम से जज कर देती हो दूसरे इंसान को। अब वो और कैसे बात करेगी? सही कह रहा हूं, रिजेक्टेड लोगों को इसी तरह हर्ट करते हैं। तुम मेरे ड्रामेटिक हो रही हो। नहीं सीरियसली, मैं अपने आपसे ये सवाल बहुत बार करती हूँ, सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिलता ना तो मुझे गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि मैं बिल्कुल पागल हो जाती हूँ। लेकिन पता है वो मेरा बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि मैं गुस्से में वो कर लेती हूँ जो मैं नॉर्मली नहीं कर पाती।
गुस्सा गिव्स मी स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ को तुम दूसरे पे इस्तेमाल कर देते। पर तो उसका भी पूरा कसूर ना हुआ। अब उसकी वकालत करने आया के सामने तुम्हारी और तुम्हारे सामने उसकी, यही काम रह गया मेरी जिंदगी। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझे इनोसेंट समझ के वकालत करो। गिल्टी नहीं। अगर हमारी औलाद होती तो तब भी ये सब कुछ होता। तुम अब तक ये समझती हो कि मैं उसके साथ इन्वॉल्व था? हाँ, मैं नहीं था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था सर। हाँ, ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे तुम बात। चलो मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बनाओ। तो मुझे अच्छा फील कराने के लिए आया और कॉफी बनाने आया? इतना अच्छा तुम मेरे लिए कॉफी बना के फील करोगी उतना मेरी बातों से तो करोगी नहीं। इसलिए क्या नहीं बनाना चाहती तो कोई बात दो। मैं फेंकता हूँ। नहीं, कम से कम कॉफी की तो घंटी लगा लेते। कि बहुत शामत कर ली तुमने। तुम पैनकेक की पेटी लगाओ। पैनकेक? बहुत पेटू नहीं हो गए हो तुम? तुम्हारा कसूर है? मेरी आदतें थी खराब कर दी। एक बात पूछूं? पूछो। अगर हम चाहें तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है ना? अगर हम चाहें तो। वहां जाने लगे उसे। वो बहुत अच्छी है। मैं बुरी हूं। मैं तुम दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहता। तुम्हारा उसका कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला नहीं है तो फिर तुम उसे मेरी जगह कैसे दे सकते हो?
इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, उसके बाद किसी और के कैसे हो सकते हो? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझ पे अब भी वैसा भरोसा कर सकती हो जैसे कभी किया करती थी? हर चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। तुम्हें नहीं बदलना चाहिए दिशा, तुम क्यों बदले हो? कॉफी बन जा रही है, बुला। बहुत नाराज हूं। छोड़े, क्या फायदा? आप समझते क्योंकि मैं कहीं नहीं जा सकती, आप मुझे फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। तो मैं फॉर ग्रांटेड लूंगा तो तुम ऑस्ट्रेलिया नहीं चले जाओगी? तुम तो मेरी इंस्पिरेशन, मेरी ताकत हो। तुम्हें मुझे सिखाया कि मुसीबत के वक्त में कूल और काम कैसे रहना। तुम नहीं होती तो मैं तुम्हारे बगैर टूट चुका होता। प्लीज तुम ये ना कहो कि मैं तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले रहा हूं। मीठी मीठी बातें करके मुझे फुसलाने की कोशिश मत करें इंतजाम। एक लम्हे आप मुझे आसमान पे चढ़ा के रखते हैं और अगले ही लम्हे जमीन पे गिरा देते हैं। आप फैसला क्यों नहीं कर लेते हैं? फैसला तो मैं कर चुका हूँ, तुम जानती हो, बस अमल करने में वक्त लग रहा है। इसलिए मुझे इस वक्त तुम्हारी सपोर्ट सबसे ज्यादा चाहिए। आप उसे हंस हंस के बातें करते हैं, उसकी हाथ की कॉफी पीने की फरमाइश करते हैं, और अब मुझसे कह रहे कि मैं सपोर्ट करूं? That's not fair. मतलब तुम भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही? मैंने ये नहीं कहा। कहा तो नहीं, लेकिन मेरी नीयत पे शक तो किया। वो मेरी बातों से समझ नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसे कॉफी बनाने को कहा, और कोई तरीका नहीं था मेरे पास उसे बेहतर फील कराने का। मैं उसे एक अच्छे नोट पर रुखसत करना चाहता हूं। ऐसे नहीं कि हम लोग एक दूसरे की शक्ल भी ना देखना चाहें। चलो तैयार हो जाओ। कहाँ जा रहे हैं? हमें डिनर पे जाना था, याद है? मैं समझी, आप भूल गए। मैं अच्छी चीजें नहीं भूलता। मैं रूमी को तैयार करके आती हूँ। मैंने सैर से कह दिया, उसका ख्याल रख लेगी। मैं नीचे वेट कर रहा हूं। सैरिश, रूमी ने खाना नहीं खाया, तुम इसे खाना खिला दोगी? इसकी माँ से पूछ लो अगर इजाजत देती है तो। तंज करने की जरूरत, इसका स्लीपिंग सूट कमरे में बिस्तर पे रखा है और इसके टॉयज अलमारी के पास एक बॉक्स में रखे हैं, और इसका फेवरेट वीडियो गेम मैंने सेटअप कर दिया, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। कितना कुछ पता है ना तुम्हें इसके बारे में? हाँ, बहुत क्लोज है मुझसे। वैसे तो हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें फोन कर लेना, हम फौरन वापस आ जाएंगे। और अगर ये 5 मिनट में जाग गया तो हम 5 मिनट में वापस आ जाएंगे। एक्चुअली रूमी की तबीयत ठीक नहीं है ना आजकल, इसलिए ज्यादा परेशान हो रही है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इसकी तबीयत किस तरह से ठीक करनी है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वेरी गुड, मुझे पता है इसे तुम्हारे पास छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Thank you.
क्या हुआ? इतनी खुशी खुशी तैयार हुई थी तुम, अब एकदम चुप होके बैठ गई। कुछ नहीं, मुझे लग रहा है सैरिश ने आहिस्ता आहिस्ता हमें एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है? हम सेलिब्रेट करने निकले हैं, सोग मनाने नहीं। खुदा के लिए थोड़ा तो मुस्कुरा दो। तुम रूमी की वजह से परेशान हो, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, उसका बहुत ख्याल रखेगी। नहीं रखा। अरे मैं गारंटी दे रहा हूँ यार। प्लीज आप जरा सैरिश को फोन करके पूछे अगर रूमी ठीक है। तुम मेरी बात नहीं सुन रही ना? सुन रही हूँ, बस मुझे रूमी का ख्याल है। बहुत खुश रहता है उसके साथ, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऑफिस का पहला दिन कैसा गुजरा। हम कहाँ जा रहे हैं? फेज 8 में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ जा रहे हैं। इतनी दूर? आपने तो कहा था कि हम घर के कहीं करीब जा रहे हैं। क्यों, बहुत बोर हो रही हो मेरी कंपनी में? नहीं, मैं बस सोच रही थी। हम सोचने के लिए नहीं निकले हैं सानिया, एंजॉय करो प्लीज। अपने लिए ना सही, मेरे लिए मुस्कुरा दो। अंकल कहाँ लेके चले गए मामा को? डिनर पे। मुझे तो नहीं लेके गए। मुझे भी तो छोड़ गए। चलो उनसे बदला लें, अगर हम भाग जाए तो क्या होगा? मजा आएगा। मुझे भी। चलो हम दोनों भाग जाते हैं। टैक्सी बुलाओ। कहाँ जाना है? बीच। और सिंबाद। डन। तुम्हें भी चैन नहीं आएगा ना? करता हूं। फोन नहीं उठा रही, घर के फोन पे करता हूं। I think वो रूमी को सला रही होगी। मुझे घर जाना है। डिनर स्पॉइल करेगा। वो तो उसी वक्त स्पॉइल हो गया था जब आपने रूमी को सैरिश के साथ छोड़ दिया। मैं तुम्हारे साथ अकेले टाइम गुजारना चाहता था। रूमी मेरा हिस्सा है, आप उसको मुझसे अलग नहीं कर सकते। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। क्या गैरों वाली बात की है तुमने? प्लीज मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घर जाना है। मुझे रूमी को सैरिश के साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। प्लीज वो खैरियत से हो, पता नहीं वो किस किस तरह से उससे अपने बदले निकाले। तुम फजूल में परेशान हो रही हो, खामखा ही वहम कर रही हो। अगर सैरिश पे भरोसा नहीं है तो कम से कम मुझ पे तो होना चाहिए ना। अगर मैंने रूमी को उसके पास छोड़ा है तो कुछ सोच समझ के छोड़ा होगा। मुझे रूमी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं है। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। प्लीज तेज चलाएं।
अगर रूमी को कुछ हो गया मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। रूमी सो रहा है, कहानी सुनते सुनते सो गया था। कमरे में ही ले जा रही थी मैं। तुम्हें क्या हुआ है? तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? कौन सा फोन? एहतशाम तुम्हें फोन कर रहे थे क्योंकि हम टेरेस पे थे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बदला इससे लूंगी? इतनी घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी हो सकती है। तुमने जानबूझ के फोन का जवाब नहीं दिया ताकि मैं परेशान हूं। तुम्हें परेशान करने के और बहुत से तरीके हैं मेरे पास। शुक्र करो कि मैं उनको आजमा नहीं रही। धमकी दे रही हो मुझे? मैं अपने शौहर को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और वो गलत नहीं हो। इस तरह तो मैं भी कर सकती हूँ। तो कर तो रही हो, लेकिन तुम चाहे जो भी कर लो, एहतशाम सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुमने देखा नहीं था मेरी वजह से इतने परेशान हो गए थे कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी इजाजत के बगैर मेरे पास छोड़ गए। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम जा रही हो। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं कहीं नहीं जा रही, ये मेरा घर है। जाओगी तो सिर्फ तुम, और अब तुम्हें वाकई चले जाना चाहिए क्योंकि मेरी जगह तुम कभी नहीं ले सकती। इससे इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं। एहतशाम ये सिर्फ तुम्हारा दिल बहलाने के लिए कर रहे हैं, तुम्हें दुख नहीं देना चाहते। केयर तो करते हैं वो तुम्हारी, लेकिन प्यार नहीं करते। प्यार और केयर एक ही चीज होती है? नहीं सर, एक ही चीज नहीं है, क्योंकि एहतशाम तुम्हें तलाक देने वाले। अगर शक दिल में आ जाए। तुम्हारे दिल में अभी सिर्फ मैं हूँ, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। तुमने दूसरी शादी कर ली? मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं। मेरे लिए जिंदगी गुजारने के लिए रूमी बहुत है, पर आपके लिए शायद सैरिश। बस इसका एक ही मैंने, उसे यहाँ से जाना। जो अपने रूठ जाए तो सपने टूट जाते हैं।